हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया इन्वेस्टर या फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आपकी मछलियों के नहीं बढ़ने के तीन इम्पॉर्टेंट कारण। पहला कारण है दोस्तों पुअर सीड क्वालिटी। बहुत जगह आपने देखा होगा कि मछली है वो सेम साइज की है, बहुत दिनों तक आप उसको जितना भी खाना खिला लो वो नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों इसको अपन पुअर क्वालिटी ऑफ सीड बोलते हैं। आपके बच्चे के पुअर क्वालिटी होने के दो इम्पॉर्टेंट कारण हैं। या तो वो मछली है वो लेट स्पॉनिंग सीजन से प्रोड्यूस हुई है, मतलब मई जून तक आप जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं प्रजनन के द्वारा उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पॉनिंग सीजन प्रजनन की जो काल होती है वो बढ़ते जाती है, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे में जो बच्चे पैदा हुए हैं जो मछलियाँ बनी हुई हैं उनकी क्वालिटी थोड़ा सा कम होती है। दूसरा, बहुत सारे जो गवर्नमेंट हैचरी होती है वहाँ पर छोटे साइज के बच्चों को भी इंजेक्शन लगा के उससे बच्चे प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती। तीसरा दोस्तों, आपके जेनेटिकली वीक बच्चे, देखिए जैसे आदमियों में सिकल सेल एनीमिया होता है जो जेनेटिकली एक बीमारी होती है, वैसे ही अगर आप सेम फैमिली के पेरेंट्स से उसका प्रजनन करा के बच्चा प्रोड्यूस करोगे तो उसकी भी क्वालिटी घटिया होती है। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे हेचरी से आप बच्चे खरीदेंगे जहाँ पर ब्रूडर है वो दूसरे जगह से लाया जाता है ब्रीडिंग के लिए और उसका साइज कम से कम 1.5 से 2 किलो या फिर उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ताकि उससे बनने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के हो। मछली नहीं बढ़ने का दूसरा कारण है आपका बैड वाटर क्वालिटी। आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ऐसे जो इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उसके लेवल को आप जब ज़्यादा या फिर तो मछलियाँ हैं वो स्ट्रेस आउट हो जाती हैं और उस स्ट्रेस के कंडीशन में उनका जो खाना खाने का जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाता है। इसकी वजह से मछलियाँ ना ग्रोथ ले पाती हैं और ना अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। तो आपको 15 to 1 महीने के अंदर में आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखिए। अपने तालाब में वाटर टेस्टिंग किट ज़रूरी से रखिए ताकि आप इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को मेज़र कर पाएँ समय समय पर और अपनी जो वातावरण है मछलियों की उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। मछली नहीं बढ़ने के तीसरे कारण है दोस्तों आपका लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसान भाई है वो दूसरों को देखा देखी में मछली पालन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मछली है दोस्तों ये एक साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। क्योंकि आप नॉलेज तो कहीं से बेसिक नॉलेज ले लोगे, लेकिन आप एक्शन क्या ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मछलियों को बड़े करने में आपको 9 से 10 महीने लगते हैं, लेकिन मरने में दोस्तों मछली है वो 1 दिन में भी मर सकती है। तो आपको उतना अपने नॉलेज को बढ़ाना है और अच्छी जगह से आप ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप बात करें तो सीफा से ट्रेनिंग ले सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो भुवनेश्वर में है उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, जो मछली पालन का बेस्ट इंस्टीट्यूट है मछली ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस पर कॉल करके मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, आपको क्वालिटी ऑफ सीड को बहुत बढ़िया रखना है। दूसरा, आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है वो समय समय पर मेज़र करते रहना है। और तीसरा, अपने नॉलेज को हमेशा इम्प्रूव करिए, अच्छे लोगों से नॉलेज है वो गेन करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।